गुड मॉर्निंग नुंदर को तरफों सबने सत श्रीकाल। ते चलो पूजा करने, धूप बत्ती परमात्मा ने याद कर लिए। वाहिगुरु चार पैर रात से सुंदर व्यतीत हो, चार पैर दिन से सुखना व्यतीत करना गुरु महाराज कृपा करना था। वाहे गुरु 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 मैंने गुनगुने पानी दे दिया है। गुड मॉर्निंग सबको, राम राम, नमस्ते। तो चलिए थोड़ी देर कर लेते हैं, लंबी लंबी सांस भरें। आप लंबा करें, मैं थोड़ा थोड़ा करके फंसते का कपाल भाती कर लेते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके दिखाऊंगी, लेकिन आप अपने लिए खुद के लिए करना है और अपने आप को ज़रा टाइम दें। वन टू स्ट्रेच करें बॉडी को। आगे पीछे और आगे पीछे, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, गोल गोल घुमाए गर्दन को। हमारे ये बॉडी के सारे पार्ट्स हैं ना, इनको हिलाना जुलाना है। मेन हमारा मोटिव है कि इनको हिलाते जुलाते रह गया, ये बेकाबू नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर आंखें बंद करें, बिल्कुल बिल्कुल आंखें बंद करके बैठना। थोड़ी देर ध्यान, इसे कहते हैं ध्यान लगाना, बिल्कुल हमने जिस तरह भवरा गुंजन करता है इस तरह से करना है। आप देखेंगे आपके बॉडी में करंट सा उठता है। तक उफले रब करें, ब्रह्माणी क्रिया बोलते हैं इसे। भव्य की तरह गुंजन करना है हमें। आप टाइम लिमिट बढ़ा सकते हैं, आंखों पे रखेंगे। आज के लिए इतना ही बस, फिर मिलेंगे कल नवे सेशन में। बेटे के लिए ओट्स बनाए थोड़ा।
तो चलिए ओट्स रेडी हैं, क्या कर देते हैं ब्रेकफास्ट। तो बेटे के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है, ग्रीन टी शमी ले लेना आप ब्रेकफास्ट में, जा रही किचन में। मैंने भी ओट्स ले लिया, चलिए आप भी खाइए ओट्स। इसमें शुगर नहीं है, फिक्के हैं। चलिए ग्रीन टी ले लेते हैं। रोटी उठ गया, और भी ब्रेकफास्ट कर लिया। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट हो गया हमारा। भाई आज का मौसम लवली लवली है, धूप नहीं है। सुबह के बज के ठंडी हवा चल रही, ठंडी हवा रेडी हो गई। बाय बाय गोरी, गोरी तुम ही आ गई, तू गोरी आ गई। बाय गोरी, नो गोरी, चल ठीक है, ओके बाय। चलिए चलते हैं। किचन का काम हो गया, रसोई हो गई साफ, किचन हो गई साफ, तो मैं हूँ कर दिया बाथिंग। चलो मैं करती हूँ बाथिंग, फिर तो मिलते हैं नहा धो के फ्रेश होके। गुड मॉर्निंग दिनार। गुड मॉर्निंग जी, वेलकम है थोड़ा जिंदर जी किचन विच। मैं बना लगी चाह, चलो चाह रख दी, पावगे बिच अदरक लाची सौंफ। तो चलो मैं पा लैनी ये बिच। आज ना थोड़ा सिर भारी सीगा, मैं क्या चल जरा ना चाह पींदे आ। पाता मैं अदरक, पाता बिच मैं थोड़ी जी दालचीनी पाती, एक छोटी लाची पा देने आ, दाल पा देने आ, सौंफ, स्पेशल टी तैयार कर रही हूँ मैं आज। कभी कभी स्पेशल कर दी, वैसे तो नॉर्मल पी ले रही है, जब थोड़ा अपसेट होता है फिर पी ले रही है। तो चलो फटाफट चाय तैयार कर लेने हैं, थोड़ी जी पा देने हैं, कड़ गया पानी, थोड़ा होर कड़ जाए। तो मसाले कड़ रहे हैं,
कड़ करके ते पा देने चा पत्ते सीधी पावांगे रोक के चलो जी हम दूध का नंबर आ गया तो हम पा रहे हैं जी दूध से चाय हो जाएगी चार दक्ष ले गया चाय आज दक्ष तबीयत ठीक नहीं दक्ष ही कर रही है तो चलो चाय नु ना बला ले लिया चाय कड़ गई रेडी हो गई है लो पियो गरम 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 चाय लो जी चाय तैयार है तो चलो पीते हैं चाय चाय बिस्किट वो तो सब ठीक हो चलो मैं पी लेनी चाय मिल लेती हूँ चाय गरम कितना शांति मिलती शांति हेलो जी ये दोनों पार्ट्स रेडी हैं उनमें एक पार्ट तो जिप लगानी है सारी तरफ इन्हें जिप नू लगावांगे तीन साइड आते तो चलो मैं बैठ दिया मशीन लते तो मैं लगा दिया जिप फिर तुम दिखा दिया चलिए मैं जिप लगा लेती हूँ इस तरह से टिप को अटैच कर देना है तीनों साइड पे चलिए इसे मैं पूरा करके फिर आपको दिखाती हूँ ये देखो मैंने जिप लगा ली थी तो चलो हूँ अगला काम करते हैं हम पट्टी जोड़ लूँगा हेलो ये मैंने पल्ला ना जोड़ दिया इधर ये जिप लगा दी मैंने सारी इसकी जिप लग गई है तो अब इसमें मैं कुंडा रनर डाल देती हूँ और इसकी नीचे वाला पल्ला इसके साथ ऐड कर देती हूँ चलिए मैं आपको ऐड करके दिखाती हूँ ये मेरी कैंची हो गई कंप्लीट तो इस पर मैं रनर लगाने लगी इसमें दो रनर लगेंगे दोनों साइड से तो चलिए मैं इसको कंप्लीट करती हूँ इस तरह से इसे कुंडे को हम डालेंगे इसमें तो चलिए मैं इसे डाल देती हूँ कुंडे को तो ये कुंडा डल गया तो इसे एक दूसरी साइड से डाल देती तो ये हमारी टैची अभी इसका पीछे का काम है अभी पीछे इसकी पाइपिंग लगेगी सारी कुंडे डालने के बाद ही इसमें अब हमने इसकी आउटलाइनिंग सारी पाइपिंग लगानी है वो हमारी टैची रेडी हो जाएगी तो मैं आपको कल इसको सुबह कंप्लीट करके दिखाऊंगी ये रात का समय है और मैंने इसको स्टैंड कर दिया तो ये बैग मोस्टली कंप्लीट हो गया है बस इसकी ना ये पाइपिंग लगनी है साइड की तो चलिए मैं इसे ना फिनिश करके आपको दिखाती हूँ तो मैं पाइपिंग काट लेती है इन्होंने मैं ना जोड़ ले रही हूँ तो फिर मैं पाइपिंग लगावाँगी यदि बैक साइड सारी ना पाइपिंग लगनी है
फिर चलो पाइपिंग वर्क कर लेने, तो चलो फिरकी पा ली जरा। तो चलो हूँ कर दें शुरू नू। चलो मैंने कंप्लीट कर लिया, फिर तुम मिल गए। तो दीजिए मेरी अटैची, फाइनली अटैची मेरी तैयार हो गई है। यह है बड़ी सी अटैची, इसमें आप कंबल रख सकते हैं, ये पूरा खुल जाता है इसमें से। ये इसमें आप जितना मर्जी सामान रखें, पूरा घर का सामान इसमें आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। ये बनी है कंबल वाली अटैची। तो जी मैंने खोल दिया ना, ये तैयार हो गई मेरी अटैची। तो फाइनली अटैची हो गई तैयार। हेलो गाइस, वेलकम टू माय किचन। तो मैं दो प्याज ते टमाटर ले लेता, तो चलो इन्हों कट दे। चलिए मैं ना दो प्याज ते टमाटर ले लेता, ते धनिया हरी मिर्ची, तो चलो इन्हों ना छील लेंगे, ते छिलका उतार लेंगे। मैं दोनों प्याजा नू ना इन्हों छिलका उतार लाँगी, छिल लवानी। दीदी ना एक कर लेने छिल के रख लेते हैं प्याज में। तो मैं आज ना कर पता क्यों होया, आज करना खीरा नहीं है, मैं अपने वास्ते स्पेशल सैलड तैयार करने लगी हूँ। प्याज ले लेते ना, इन्हों ना इस तरह गोल गोल कट लेना। इस तरह पतले पतले गोल गोल स्लाइसेस विच इन्हों इस तरह कट लेंगे। इस तरह प्याज असी कट लेंगे, उन्हें बच्चों ना ये छले कर लेने प्याजा के, इस तरह करके ना दिख रहा इदा। तो मैं प्याज दी ना सैलड तैयार करने लगी हूँ, क्योंकि अज कौन जाएगा खीरा लैन, तो अज मैं सैलड तो खाना ही है ना। चलो अज ना थोड़ा फर्स्ट क्लास सैलड तैयार कर दिखाने, खा के थोड़ा भी मन खुश हो जाएगा। तो चलो इस तरह ना प्याजा कट लेना है, तो फिर ये ठंडा पानी पाना, बिल्कुल चिल्ड वाटर फ्रिज वाला, तो दो मिनट ही रहन देना। तो चाहो तो बर्फ का टुकड़ा भी पा लो, तो इनू दो मिनट वास्ते छोड़ देंगे। इन्नी देर च मैं टमाटर कट लेंगे, मैं अच्छी तरह वॉश किया है। इस तरह इन्हें कट के ये पैसे ज़्यादा बीज नहीं है, जब बीज ज़्यादा हो तो बेशक तुम कढ़ सकते हो, पर ये बीज में कट देने, ये थोड़े होर कम आ जाएंगे। इस तरह इन्हें खोखला कर लेंगे। इस तरह
ये गुद्दा साढ़े काम आ जाएगा इस तरह से। इन भी दो मिनट बस ये पा देंगे, इन साइड से रख देंगे, गुद्दा फिर काम आएगा साढ़े। तो इन्हों एक बार ना अभी वॉश कर लेंगे, दोबारा सारा पानी कट देंगे। तो मैं छलनी लै ली है, तो मैं पा ये पा के मैं सारा पानी ड्रेन कर दूँ। उत्थे रख के ये ही असी जो लच्छे रह गए ना उन्होंने भी कट दें। ये देखो लुक कितनी अच्छी लगेगी। हम ये जो टमाटर है ना उन्होंने भी इस तरह स्लाइसिस कट कर लेना। तुसी ज़्यादा पसंद करते हो तुसी ज़्यादा भी टमाटर पा सकते हो। वैसे भी टमाटर भी साढ़े वास्ते अच्छा होंगे क्योंकि ये ना जो रेड सैल होंगे ये तो कई प्रॉब्लम्स वास्ते टमाटर भी यूज किए जाते हैं। पर ये तो चलो ये बीज वगैरह जो है ना गुद वो भी काम आता। चलो पानी सारा निकल गया, मैं प्याजा ये ऐड कर दे रही हूँ। लच्छे निकले नहीं से मैं कि इन्होंने भी कट दा। चलो दे विच मैं दो हरी मिर्च ऐड कर लाँगी। हरी मिर्च इस तरह ही लंबी कट के पावगी, थोड़ा जहा हरा धनिया ऐड कर देना। धनिया की खुशबू ओ वाह बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। हुण इहदे विच असीं ऐड करें थोड़ी जी काली मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब नाल पाना। तुसीं थोड़ी जी ब्लैक सॉल्ट पा के बड़ी अच्छी तरह से हिला लाँगे। ये थोड़ी जी ऐड करांगे देगी मिर्च का तड़का, थोड़ी जी देगी मिर्च ऐड कर देने। हुण इहनूं असीं अच्छी तरह मिक्स कर लेना प्याज नूं इस तरह। सीख रही हूँ मैं भी प्याज नूं उछालना। इहदे विच मैं ऐड करांगी हुण एक चम्मच भर के सिरका। वाह क्या स्वाद आएगा, जब खावांगे असी। सॉरी तो चलो जी साढ़े बहुत ही वधिया सैलड तैयार है। भूख लग रही मूँह च पा गया पानी मेरे आ देखो लो जी बहुत ही यम्मी बहुत ही टेस्टी प्याजा दे सैलड तैयार है। तो चलो हम बनाते हैं रोटी। तो चलिए स्वागत है दुंदर दी किचन च। तो मैं आ गई गया किचन च, तो चलो बना लेते हैं खाना। बना लेंगे चपाती, इधर सब्जी तैयार हो रही है।
इधर सब्जी रखी हुई है, इधर सब्जी तैयार हो रही है। चलो मैं चपाती बना लेनी है। तो रख देता मैं, ये सब्जी तैयार है, आलू बीज दी सब्जी। आलू बीज दी सब्जी मैं तवा रख देता हूँ। चलो मैं बना लेनी है चपाती, तो खाना कर दिया तैयार फटाफट। तो चलिए फटाफट चपाती बना लेते हैं। चलो रोटी बन रही है। लक्ष्य आवाज कम करो, टीवी की आवाज कम करो, आवाज कम करो, इतना तेज टीवी लगा देते हो सुनाई भी ना दे, कान बह रहे हो जाते। चलिए खाना तैयार हो रहा है। चलिए रोटी तैयार हो गई, सब्जी तैयार है, तो चलिए हम खाना डालते हैं। तो चलिए थाली तैयार करते हैं। चलिए मैंने ना चपाती में थोड़ा सा घी लगा दी है। चलिए अब थाली निकाल के खाना डालेंगे। आलू बीज की सब्जी, तो दही पड़ी हुई थी। बेटा कल लेके आया होगा दही, तो कह रहा था कि मम्मी दही भी खा लो, तो चलिए मैं दही को भी डाल लेती हूँ। मैंने कर्ड निकालने हैं। खाना डाल देते हैं थाली में। आलू बीन्स की सब्जी तैयार है, तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। आलू बीन्स की सब्जी खाने में है, आलू बीन्स की सब्जी साथ में है कर्ड, तो इधर चपाती भी तैयार है, तो साथ में ले लेते हैं चपाती। तो मेरे पास करेला पड़ा हुआ है, थोड़ा सा करेला ले लिया मैंने, मैं यम्मी सा सैलेड, ओनियन सैलेड। तो चलिए आलू बीन्स की सब्जी है, साथ में कर्ड, साथ में है करेला, साथ में है रोटी, साथ में है सैलेड, तो चलिए यम्मी यम्मी सैलेड। तो थोड़ी सी यम्मी सी सैलेड भी रख लेते हैं प्लेट में। तो लीजिए हमारा खाना हो गया तैयार यमी यमी, तो चलिए लीजिए खाइए खाना यमी यमी। लीजिए आपको खिलाएंगे आलू बीन्स की सब्जी, साथ में है सैलेड, कर्ड, करेला, तो लीजिए चलिए खाइए यमी यमी। तो चलिए खाते हैं इसे। बहुत यम्मी, जरूर बनाइए खाइए, आहा मजा आया।
टेस्टी टेस्टी। तो चलिए खाने को ख़त्म करते हैं, खाना फिनिश करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। हेलो जी, मैं दुंदर कौर, दुंदर कौर तरफा सब सत श्री अकाल। खाना पीना हो गया ख़त्म, ते चलो मेरे चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। फिर तुम मिलेंगे एक नवी वीडियो, थोड़ी सब जी दुंदर कौर।